नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक सॉकेट स्विच और एक होल्डर एक स्विच। तो हम चाहते हैं कि हमने ये होल्डर है तो हमने ये हमारा ये यहीं से बंद हो जाए और ये सॉकेट है तो इसको हम यहीं से बंद कर लें। तो ये है दोस्तों सीधा, ये आप देख रहे हैं, ये अब हमने सीधा कर दिया। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कभी भी जब बोर्ड आप बनाते हैं, आज आप सीख रहे हैं कि हम एक सॉकेट और एक स्विच और एक होल्डर एक स्विच कैसे बनाते हैं इसको और कैसे इसकी हम वायरिंग करते हैं। सभी ने ध्यान से देखना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि पहले तो आपने ये मार्केट से परचेज़ करनी है। सॉकेट है, ये स्विच है, ये स्विच है, ये होल्डर है। इसके बाद हमने इसको नेट होते हैं इसको पीछे वाली वीडियो मैंने बताया कि कैसे इसको हम लगाते हैं। तो इसको अब हमने क्या करना है, वायरिंग करनी है। वायरिंग कैसे करते हैं तो सभी ने ध्यान से देखना है। तो ये पहले हम पावर पास के लिए दे देते हैं। इससे क्या होता है, होल्डर बंद होता है ऑन ऑफ का, तो इसको हमने यहाँ दे दिया, ये इससे ऑन ऑफ होगा। जब भी आपने वायरिंग करनी है तो देखना है कि वो टाइट करके, यानी कि लूज करके, ढीला आप छोड़ दोगे तो बोर्ड आपका जल सकता है, तार आपकी कहीं भी टच हो सकती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो तार लगा रहे हैं हम न्यूट्रल के लिए और एक न्यूट्रल हम बोर्ड के लिए लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम दोनों को टच करेंगे आपस में ऐसे इकट्ठा करके। उसके बाद हमने इसमें लगा दिया। उसके बाद अपने इसको टाइट करना है। तो ये सीधा है, इसको आगे कर दे अपने। ये हमारी मेन स्विच में लगेगी तार, और ये जो दूसरी तार है, ये दूसरी तार आपकी कहाँ लगेगी, दूसरी तार को अपने यहाँ लगाना है इसमें। तो ये आपने देखा कि ये हमारी न्यूट्रल लग गई है और इसको हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद अब हम मेन फेस कहाँ लगाएंगे, मेन फेस का ध्यान रखना सभी ने। मेन फेस हम इसमें दे रहे हैं, और कस कर, ना कि लूज, ये ना लूज होकर आपका खुल कर कहीं और टच हो जाए। इसके बाद आपने दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये आपको छोटी सी तार दिख रही है, जरा ध्यान से देखना है, ये कॉपर की तार है। इस कॉपर की तार को आपने यहाँ तक क्रॉस करना है, इससे इसमें पावर क्रॉस हो रही है। ये आपका ऑन ऑफ के लिए होता है, ये आपका इस सॉकेट को इससे ऑफ हो जाएगा, इसका इससे होल्डर का हो जाएगा।
तो दोस्तों आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमारा होल्डर है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा बोर्ड में लगेगा और ये हमारा मेन फेस है, ये भी बोर्ड में लगेगा। तो ये भी हमारा इसका फेस का है, तो ये ऑन ऑफ के लिए होता है, ये जो है इससे इस सॉकेट से ये ऑफ हो जाएगा, इसको ऊपर को दबाओगे तो, और इससे ये हो जाएगा। तो हाँ, और सभी ने ध्यान रखना है कि तार ऊपर से ना जाए, ये साइड से लेना हमेशा, साइड से लेते हो तो आपका जो बोर्ड सेफ रहता है, नहीं तो बोर्ड जल जाएगा। इसकी पावर पास बॉपर की आपने तार लेनी है, नहीं तो उसी तार को आप इकट्ठा करके इसमें तक पहुंचा सकते हैं, और इसको फिर आपने टाइट कर देना। तो अब हमारा बोर्ड जो है वायरिंग हो गई है, और इन दोनों तारों को ये जो है इसको हमने अब बोर्ड में लगाना है, उसके बाद देखोगे कि आपका जो होल्डर है बिल्कुल ओके चल जाएगा। तो अभी हम इसको बोर्ड में लगाते हैं। तो अब हम इसको बोर्ड में लगाते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। अब हमने इसको बोर्ड में लगा दिया, और अब हम इसमें ये लगाते हैं। ये हमने बल्ब लगा दिया इसमें। अब यहाँ से हम ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये देखा कि हमारा जो बल्ब है जल गया है, और तो ये जल गया है और ये हमने यहाँ लगा रखा है, तो इसका अर्थ है कि जो हमने वायरिंग की है वो बिल्कुल ओके है और बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों को ना पता चले कि कैसे हुआ, क्या है क्या नहीं है, तो उस वो लोग मेरे इसमें, मैं आपको साथ में फ़ोटो भी, मैंने फर्स्ट में वीडियो के आगे मैं फ़ोटो लगाऊँगा, आप उस फ़ोटो को देख कर भी चेक कर सकते हैं कि हमारी वायरिंग ठीक है या गलत है। तो दोस्तों होल्डर है तो बल्ब, मेरे पास दूसरा नहीं है, तो मैं दूसरा होता तो मैं आपको होल्डर भी चेक करवा देता। अब इसको ऑफ करके देखते हैं हम, तो हमारा ये ऑफ ही हो जाए, देखना ऑफ हो गया, ये हमारा ये बल्ब लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये फिर से बताता हूँ, ये देखो, तो ये हमारा ऑन ऑफ हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमने इसमें ये लगाना है, ये तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, और इसको आपने बंद करना है प्रॉपरली तरीके से। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाए थे उनमें आपको मैंने दिखाया नहीं था कि कैसे, वैसे मैंने आपको वायर बताई थी कि वायर कैसे लगाते हैं, मैंने चेक नहीं किए थे। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप चेक करके बताओ कि ये चलते हैं नहीं चलते हैं, नहीं तो हमारे कुछ कहते थे कि हमारे जो है बोर्ड जल गए। तो दोस्तों बोर्ड इसलिए जला क्योंकि आप लोगों ने सही तरीके से नहीं बनाया। अगर आप मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, भाषा नहीं समझ आ रही, तो आप उसका कनेक्टिविटी देख सकते हैं, वो कनेक्ट कैसे किया है, वायरिंग कैसे किया है, तो आप उसकी कनेक्शन चेक करें प्रॉपरली, और फोटो में जो मैं इस वीडियो के ऊपर लगाऊँ उस फोटो से आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि कैसे वायरिंग हुई पड़ी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।